आज का जो टॉपिक है वह है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पर्टिकुलर कंट्री और बाय कम्युनिटी। लैंग्वेज जो है वह एक कम्युनिकेशन है जो एक कंट्री या एक कम्युनिटी के द्वारा यूज की जाती है। यहाँ पर हम लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग से पहले तीन वर्ड को समझ लेते हैं कि बायलिंगुअलिज्म क्या होता है, पॉलीग्लॉट्स क्या होता है और मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है। बायलिंगुअलिज्म इज अ पर्सन चाइल्ड हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज इज कॉल्ड बायलिंगुअल। जो पर्सन दो भाषाओं को जानता हो वह क्या होता है, बायलिंगुअलिज्म होता है। और पॉलीग्लॉट्स क्या होता है, अ पॉलीग्लॉट्स कैन स्पीक 5 to 10 लैंग्वेज। पॉलीग्लॉट्स जो होते हैं जिन्हें 5 या 10 लैंग्वेज की नॉलेज होती है। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वह एक रिसोर्स के रूप में काम में आता है। तो हमें जब हम जो टीचर बनेंगे तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारी जो क्लास होती है उसमें बहुत सारे अलग अलग जगहों के जो बच्चे आते हैं। तो हमारी जो क्लास होती है वह मल्टीलिंगुअलिज्म होती है, वहाँ विभिन्न तरह के बच्चे जो होते हैं वह आते हैं अपनी अलग अलग भाषाओं को लेकर। तो इसे हमें रिसोर्स के रूप में यूज करना चाहिए। तो ये तो थे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है और लैंग्वेज लर्निंग क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन, इसे हम सिंपल वे में समझ लेते हैं कि भाषा अर्जन क्या होती है। देखिए, जैसे आप अपने घर में जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं उस लैंग्वेज को आपको फोर्स करके नहीं सिखाया गया है, ना ही उसमें रूल रेगुलेशन लगाए गए हैं, ये आपने खुद ही अर्जित की है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वह नेचुरल प्रोसेस है और ये खुद ही अर्जित हो जाती है। जबकि लैंग्वेज लर्निंग की बात करें तो यह जो सिखाई जाती है, जैसे कि हम फॉर्मल तरीके से स्कूल में जाकर हम जो लैंग्वेज सीखते हैं तो वह लैंग्वेज जो है वह लर्निंग कहलाती है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन का। लैंग्वेज एक्विजिशन इज नेचुरल प्रोसेस, गिव एनवायरमेंट एंड एक्सपोजर टू चाइल्ड। यदि हम बच्चे को एनवायरमेंट देते हैं और एक्सपोजर देते हैं तो लैंग्वेज एक्वायर हो जाती है और यह एक नेचुरल प्रोसेस होती है। सेकंड है सबकॉन्सियस लैंग्वेज एक्विजिशन, जो है वह सबकॉन्सियस होती है। इसमें कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। हम जो भी कुछ देखते हैं, जो भी कुछ समझते हैं और सुनते हैं उसे हम उसी तरीके से एक्वायर कर लेते हैं। थर्ड है नो फॉर्मल टीचिंग, इसमें कोई भी फॉर्मल टीचिंग की जरूरत नहीं होती है क्योंकि यह खुद ही अपने आप में हम सीखते चले जाते हैं। जैसे कि हम अपने घर का एनवायरनमेंट देख लेते हैं तो उसमें हमें जो लैंग्वेज हमारे परिवार के सदस्य बोलते हैं तो उसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, वह हम खुद ही सीख जाते हैं। यही लैंग्वेज लर्निंग की बात कर लेते हैं तो यह एक लर्न प्रोसेस है क्योंकि इसे सिखाया जाता है और यह कॉन्सियस है क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम चेतन मन से उसे अच्छे से लर्न करते हैं। और यह फॉर्मल टीचिंग कहलाती है क्योंकि इसके लिए हम स्कूल्स वगैरह में जैसे हम जाते हैं तो वहाँ फॉर्मल तरीके से जिस तरीके से हमें कोई भी लैंग्वेज सिखाई जाती है तो उसे लर्निंग कहते हैं। फोर्थ देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन जो है जिसमें नो ग्रामर रूल्स, रूल्स जो होते हैं वो फॉलो नहीं होते, कोई भी ग्रामर के रूल फॉलो नहीं किए जाते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग जो है जिसमें ग्रामर रूल आर लर्न, इसमें जो ग्रामर के रूल होते हैं वो लर्न किए जाते हैं। जैसे कि हम सब्जेक्ट सबसे पहले कोई सेंटेंस देखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों का होना जरूरी होता है जो कि हमें लर्न करवाया जाता है, तो ये लैंग्वेज लर्निंग होता है। फिफ्थ पॉइंट है फोकस ऑन कम्युनिकेशन एंड स्पोकन एस्पेक्ट। लैंग्वेज एक्विजिशन में कम्युनिकेशन पर जोर दिया जाता है। इसमें बच्चे जो होते हैं वह अपनी थॉट जो होते हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसके अलावा एक दूसरे से जो बात करते हैं इस वजह से वह अपनी जितनी भी बातें होती हैं वो भी शेयर करते हैं, तो इसके लिए उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। जबकि लैंग्वेज लर्निंग जो होती है उसमें रीडिंग और राइटिंग इन दोनों रूल्स पर फोकस किया जाता है। जैसा कि हम स्कूल्स में देखते हैं एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि क्रिएट किया जाता है अपने आप में नहीं होता है और वहां पर बुक्स वगैरह दे दी जाती है जिन्हें पढ़ने और लिखने पर जोर दिया जाता है।
तो इसे लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। तो हमें इन्वायरमेंट जो है ऐसा बनाना, ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें बच्चा जो है वह स्वयं अर्जित करता है यानी लैंग्वेज एक्वायर करता है, तो वो लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो इसके लिए एज ए टीचर लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वह सही मानी जाती है बजाय लैंग्वेज लर्निंग के। तो सिक्स है, इट इज ऑटोमेटिक। लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वह ऑटोमेटिक हो जाती है। आप जो चॉम्स्की है उनकी बात को ध्यान करिए, चॉम्स्की भी ये कहते हैं कि जो मनुष्य है उसके माइंड में एलईडी होता है, यानी पहले से ही ग्रामेटिकल रूल जो होते हैं वो पहले से ही होते हैं, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो इन्हें लेकर ही पैदा होते हैं। तो ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन है यह ऑटोमेटिक होती है, इसमें किसी का फोकस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वही लैंग्वेज लर्निंग पर देखते हैं तो इट गोज अंडर लर्न एफर्ट, इसमें हमें बहुत सारे एफर्ट जो है वह लगाने पड़ते हैं। सेवन पॉइंट, लैंग्वेज एक्विजिशन में नो नीड ऑफ बुक्स, इसमें कोई भी बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लैंग्वेज लर्निंग इट लर्न प्रॉपरली थ्रू बुक्स, लेकिन ये केवल बुक्स की हेल्प से ही सिखाई जाती है। सेवन पॉइंट है लैंग्वेज एक्विजिशन नो, सेवन पॉइंट हो गया है। अब हम देखते हैं L1, L1 से क्या मतलब है। जहां हम एग्जाम में L1 देखते हैं तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, L1 का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसे मदर टंग भी कहते हैं और जिसे नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं और जिसे वर्नाकुलर लैंग्वेज भी कहते हैं। तो देखिए, मदर टंग यानी मातृभाषा, नेटिव लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रभाषा और वर्नाकुलर यानी क्षेत्रीय भाषा। तो ये जो लैंग्वेज होती हैं इन्हें हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसे हम स्वयं ही एक्वायर कर लेते हैं। तो जहां हम L1 देखते हैं तो वहां हमें पता लग जाना चाहिए कि ये हमारी हमारी जो मदर टंग है उसके बारे में बात हो रही है। वहीं लैंग्वेज लर्निंग की बात देखेंगे तो इसे L2 के द्वारा दिखाया जाता है, यानी जब हम L2 को देखते हैं तो समझ जाना चाहिए कि हम सेकंड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो ये सेकंड लैंग्वेज जो होती है इसे फॉरेन लैंग्वेज भी कहते हैं और इसे टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं। हमारे स्कूल्स या कॉलेज में जो हमें सेकंड लैंग्वेज सिखाई जाती है उसी को टारगेट लैंग्वेज कहा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में क्या फर्क है। तो इन शॉर्ट मैं दोबारा से बता देती हूँ कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वह हमें अपने एनवायरमेंट से नेचुरल प्रोसेस के द्वारा स्वयं ही प्राप्त हो जाती है, इसमें हमें कोई भी एफर्ट या फिर फॉर्मल टीचिंग की जरूरत नहीं होती और ना ही कोई ग्रामर रूल जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन जो होती है इसमें ग्रामर रूल जो है वो लर्न करवाए जाते हैं और फॉर्मल तरीके से बच्चों को ये सिखाई जाती है। तो हमें फोकस जो है वह लैंग्वेज एक्वायर करने पर लगाना चाहिए, ना कि लैंग्वेज के लर्न करने पर, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन है इसके द्वारा बच्चा जो है वह कम्युनिकेट करेगा और अपने थॉट जो होंगे वो कंप्लीट तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन इंडिया इंग्लिश इज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया में इंग्लिश जो है वो एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि हम कोई भी जो भी सरकारी दस्तावेज होते हैं वो हमारे, यदि हम प्रिंट आउट करके निकालते भी हैं तो वो भी हमें इंग्लिश लैंग्वेज में मिलते हैं। सेकंड है NCF 2005, इंग्लिश इज द सेकंड एंड लिंकिंग लैंग्वेज। ये जो पॉइंट है NCF 2005 का, ये सीटेट का सबसे फेवरेट पॉइंट है और इस पर क्वेश्चन जो है वह हर बार पूछा जाता है कि NCF 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश जो है वह कौन सी लैंग्वेज है, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि सिंपल वे में कि इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज। तो जब आपसे ऐसे पूछा जाए कि इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज तो वहां आप ग्लोबल लैंग्वेज करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू NCF 2005 इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज और इसे लिंकिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम वर्ल्ड में भी देख लेते हैं, यदि हमें किसी भी कंट्री से कांटेक्ट करना हो तो वहां लैंग्वेज जो है वह इंग्लिश आपकी चल जाती है और इसलिए इसे लिंकिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट है इन इंडिया हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया के अंदर हिंदी जो है वह ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है, क्योंकि जो यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि हिंदी को कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है 22 भाषाओं के अंदर।
तो यदि पूछा जाए कि हिंदी कौन सी लैंग्वेज है, तो हिंदी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। नेक्स्ट पॉइंट है, इन इंडिया 1600 लैंग्वेज आर स्पोकन। हमारे इंडिया के अंदर 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। देयर आर 22 मेजर लैंग्वेज, जिसमें से 22 लैंग्वेज जो है वह मेजर लैंग्वेज है, जिनको हमारे 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है। इन इंडिया रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट, और ये जो लैंग्वेज है ये डिफरेंट स्क्रिप्ट यानी बहुत विभिन्न लिपियों में लिखी गई है, विद ओवर 720 डायलेक्ट्स। और इसके साथ ही इतनी 1600 भाषाओं के साथ 720 बोलियां भी हैं। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश इज अ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इंग्लिश जो है वह इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। तो चलिए अब हम थोड़े क्वेश्चंस के साथ हम इसे और समझ लेते हैं, या आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन वन है, लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड फॉर। तो इसके ऑप्शन है लर्निंग लैंग्वेज विद कॉन्सियस एफर्ट, ऑप्शन नंबर बी है लर्निंग लैंग्वेज विदाउट कॉन्सियस एफर्ट, ऑप्शन नंबर सी है लर्निंग लैंग्वेज विद मेथोडोलॉजी, और डी है फॉर्मल टीचिंग प्रोसेस। तो मैंने आपको समझाया था कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वह एक्वायर की जाती है, इसमें कोई भी कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगता है और ना ही फॉर्मल टीचिंग प्रोसेस होती है। तो इसका आंसर जो है वो होगा लर्निंग लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लास शुड बी सीन एज बाय अ टीचर। एक टीचर जो है वह अपनी मल्टीलिंगुअलिज्म क्लास को किस टाइप से देखेगी? तो बताइए, वो इस क्लास को रिसोर्स के रूप में देखेगी, ऑप्शन नंबर बी अवॉइड कर देगी, सी हिंड्रेंस कर देगी, या फिर नन ऑफ अबव। तो इनमें से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा रिसोर्स। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है उस क्लास को एक टीचर जो है रिसोर्स के रूप में यूज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे भी गए हैं, तो मैंने वहीं से ये क्वेश्चन उठाए हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। तो होम लैंग्वेज इज डैश इन अ नेचुरल वे, होम लैंग्वेज डैश इन अ नेचुरल वे। आपके ऑप्शन है प्रमोटेड एक्वायर्ड लर्न टॉट। तो होम लैंग्वेज जो जिसे मदर टंग भी कहते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है यह एक्वायर की जाती है, लर्न की जाती है, टॉट की जाती है, या प्रमोट। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो आंसर जो है वो होगा अक्वायर्ड। होम लैंग्वेज इज अक्वायर्ड इन अ नेचुरल वे, होम लैंग्वेज जो है वह नेचुरल तरीके से अक्वायर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चिल्ड्रन कैन लर्न बेस्ट अ लैंग्वेज व्हेन दे हैव। जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज को बेस्ट तरीके से कैसे लर्न कर सकते हैं? व्हेन दे हैव अ प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, सेकंड है मोटिवेशन, थर्ड है गुड टेक्स्ट बुक, और डी है नन ऑफ अबव। तो बताइए इनमें से कौन सा हो सकता है आंसर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि चिल्ड्रन जो है वह किसी भी लैंग्वेज को बेस्ट तरीके से कैसे लर्न कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं यदि उन्हें मोटिवेशन दिया जाए, ना ही उन्हें गुड टेक्स्ट बुक दे दी जाए, तो वो बिल्कुल भी लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, और ना ही किसी भी प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर जो है जो उनको बच्चों को समझ ही नहीं पा रहा है, वो केवल अपनी लैंग्वेज पर ही कमांड है जिसकी, तो और उसे मल्टीलिंगुअलिज्म क्लास दे दी जाए, तो ऐसे टीचर्स से बच्चे जो है वह लर्न नहीं कर पाएंगे। तो टीचर्स को समझना चाहिए कि चिल्ड्रन जो है वहां बहुभाषिकता के बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारी भाषाओं को लेकर आए हैं, तो मदर टंग जो है जिस लैंग्वेज में वो क्लास में आए हुए हैं उसे रिसोर्स मानकर और फिर वह लैंग्वेज को लर्न करवाए। जैसे यदि इंग्लिश इंग्लिश की क्लास है तो इंग्लिश पढ़ाई जाए, हिंदी की है तो हिंदी पढ़ाई जाए, पंजाबी की है तो पंजाबी पढ़ाई जाए। तो ऐसे एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चे जो है वह सेकंड लैंग्वेज को आराम से सीख जाएंगे। तो आज हमने लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग को अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपका नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आप इसे अच्छे से समझिए। इसमें से दो या तीन क्वेश्चन जो आपके 100% सीटेट 1 और 2 में पूछे ही जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।